अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज़ क्लास 5, लेसन नंबर 6, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल्स मीन मादनियात, पावर रिसोर्सेज ताकत के वसाइल, एंड इंडस्ट्रीज और सनतें। लेट स्टार्ट। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हाउएवर ताहम इन रीसेंट ईयर्स, मौजूदा चंद सालों में या इन मौजूदा सालों में, इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये ज़्यादा सनती हो गया है। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स, एक सनती मुल्क चीज़ें बनाता है, यूजिंग इट्स ओन पावर, अपनी ताकत को इस्तेमाल करके, एंड नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती वसाइल को। एक सनती मुल्क अपनी ताकत को और अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके चीज़ें बनाता है। एनी कंट्री, कोई भी मुल्क, दैट वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज, जो कि नई सनतें बनाना चाहता है या वहाँ पे लगाना चाहता है नई सनतें, मस्ट हैव पावर, उसमें ताकत होनी चाहिए, वाटर, पानी, रॉ मटेरियल, खाम माल, मशीन्स, मशीनरी एंड वर्कर्स और काम करने वाले होने चाहिए। कोई भी मुल्क जो ये चाहता है कि उसके मुल्क में इंडस्ट्रीज हो, सनतें हों, तो उसमें पावर होनी चाहिए, पानी, खाम माल, मशीनरी और काम करने वाले होने चाहिए। मिनरल्स, स्पेशली आयरन, आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। मादनियात, खसूसन लोहा, वो सनत के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में देर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटेलिक मटीरियल्स, मिनरल्स। पाकिस्तान में गैर धाती मादनियात की बहुत बड़े ज़खायर हैं या बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। बट देर आर वेरी फ्यू मेटेलिक मिनरल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कम तादाद में धाती मादनियात हैं। ठीक है, एक गैर धाती मादनियात और ये धाती मादनियात। गैर धाती मादनियात बहुत ज़्यादा मिकदार में है और धाती मादनियात बहुत कम मिकदार में है। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड टू फाइंड, मादनियात को हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉयट, लेकिन बाज़ औक़ात उनको फ़रोग देना या उनको ब्रेक कर लाना मुश्किल होता है। बिकॉज क्योंकि दे हैव टू बी माइंड, क्योंकि उनकी कानकुनी करनी होती है, रिफाइंड, उन्हें साफ़ करना होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड बिफोर दे कैन बी यूज, और उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है, मादनियात को हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इनको फ़रोग देना या उनको ब्रेक कर लाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी कानकुनी करनी पड़ती है, उनको साफ़ करना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले। बिफोर अ मिनरल इज माइंड, किसी भी मादनियात की कानकुनी करने से पहले, अ स्टडी इज हैज़ टू बी मेड टू फाइंड आउट, एक मुतालिया किया जाता है ये जानने के लिए, इफ़ इट इज़ वर्थ माइनिंग आर नाट, के ये कानकुनी फ़ायदेमंद है या नहीं। किसी भी मादनियात की कानकुनी करने से पहले इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि ये कानकुनी फ़ायदे में है या नहीं। समटाइम्स बाज़ुकात द कॉस्ट आर टू हाई, उनकी कीमत या उसके ऊपर जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आर द अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज़ टू लिटल, या वो मिकदार जो कि हासिल की जाती है वो बहुत थोड़ी होती है। नेक्स्ट इज़ रॉ मटीरियल, खाम माल। एनी मैटर विच इज़ इन अ नेचुरल स्टेट, कोई भी चीज़ जो कि अपनी कुदरती हालत में हो, एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड, और वो इंसान की ना बनाई हुई हो, इंसानों ने उसको ना बनाया हो, इज़ आ रॉ मटीरियल, उसको खाम माल कहा जाता है। हर वो चीज़ जो कि कुदरती हालत में हो और उसको इंसानों ने ना बनाया हो, उसको खाम माल या रॉ मटीरियल कहा जाता है। दे कैन बी प्लांट्स, ये पौधे भी हो सकते हैं, और मिनरल्स या मादनियात, ये पौधे या मादनियात भी हो सकते हैं। सम रॉ मटीरियल्स, कुछ खाम माल, सच एज प्लांट्स एंड वुड्स एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक्स, कुछ खाम माल जैसा के पौधे, लकड़ी या किसी किस्म के चट्टाने, आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, वो ज़मीन की सतह पर पाई जाती हैं। हाउएवर ताहम अंडर द अर्थ सरफेस, ज़मीन के अंदर, देर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज इन इंडस्ट्री। ताहम ज़ेर ज़मीन बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जो कि सनतों में या सनत में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है,
अब वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में बता रहे हैं, यानी कि धाती मादनियात और गैर धाती मादनियात। देर आर मेटेलिक में मिनरल्स, कुछ धाती मादनियात हैं सच एज आयरन, जैसा कि आयरन, लोहा और कच्ची धात, कॉपर, तांबा, क्रोमाइट, क्रोमाइट गोल्ड, सोना एंड सिल्वर और चांदी। ठीक है, ये सारी मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब नॉन मेटेलिक बता रहे हैं, देर आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स और कुछ गैर धाती मादनियात भी हैं सच एज, जैसा कि सल्फर, सल्फर हो गया, रॉक साल्ट हो गया, पेराइट, जिप्सम, सोडस्टोन, फ्लोराइड, मैग्नीसाइट, सिलिस्टाइट एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, एमराल्ड्स एंड रूबीज। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक मटेरियल में मिनरल्स में सल्फर आ गया है, रॉक साल्ट है, पेराइट है, जिप्सम है, सोपस्टोन, फ्लोराइड, मैग्नीसाइट, सिलिस्टाइट और प्रीशियस स्टोन, और कुछ मतलब कि कीमती पत्थर हैं उनमें क्या क्या शामिल है, डायमंड है, हीरा, एमराल्ड, जमोर्थ एंड रूबीज और याकूत के पत्थर शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉन मेटेलिक में आ रही हैं। नेक्स्ट इज द माइनिंग इंडस्ट्री, कानकुनी की जो सनत है वो कौन सी है पाकिस्तान में। रॉक साल्ट वॉज फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872, 1872 में पाकिस्तान में सबसे पहले रॉक साल्ट मतलब जो पत्थर का नमक है उसकी कानकुनी की गई। इन 1974 में द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक कॉरपोरेशन है जो कि हुकूमत ने उस वक्त 1974 में इसको शुरू किया। इट्स जॉब वॉज टू डिवेलप द कॉपर माइंस एट सिंधाक इन बलूचिस्तान, और इस कॉरपोरेशन का जो काम था वो ये था कि बलूचिस्तान के सिंधाक के मकाम पर वहाँ से तांबे की खानगुनी करना। इन 1979 द जेम स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश, 1979 में जो जेम स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड है इसकी बुनियाद रखी गई या इसको बनाया गया टू फाइंड जेम स्टोन एंड सेट अप एन इंडस्ट्री, ताकि वो जो कीमती पत्थर हैं उनकी तलाश करे और एक उसकी सनत बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज इट इज पेज नंबर 49, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब सबसे पहले वो हमें कौन सा बता रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले मिनरल का नाम है इधर फाउंड इन या माइंड इन, माइंड ऑफ मतलब कि ये कब इसको हासिल किया गया और यूज इन और इस चीज़ का इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है। फर्स्ट वन इज जिप्सम, जिप्सम को कब फाउंड किया गया, फाउंड इन द साल्ट रेंज, माइंड एंड खीवरा, डंडोत एंड दाऊद खेल। ठीक है, इन इलाकों में इसकी कानकुनी की गई और ये यूज इन ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मेकिंग फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, पेपर, पेंट्स, रबर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको फर्टिलाइजर मतलब ये जो खादें वगैरह होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, सीमेंट में इस्तेमाल होता है, पेपर कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, पेंट्स ये जो रंग रोगन है उसमें इस्तेमाल होता है, रबर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीसाइट, इसको कहाँ पे फाउंड किया गया, कहाँ पे तलाश किया गया या कहाँ पे इसकी कानकुनी की गई, ये है स्पेन खान, बलोचिस्तान का ये इलाका है और इसका यूज इन ये इस्तेमाल किया जाता है किसमें, द मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बनाने में इस्तेमाल होता है, पेपर, रेयन, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड ड्रग्स। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज जेम स्टोन्स, कीमती पत्थर मतलब है जो जेवरात में इस्तेमाल होते हैं। अब ये किधर इनको हासिल किया गया, कहाँ से इनकी ये मिले हैं, वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। एमराल्ड जो है मतलब जो जमोट का पत्थर है वो स्वात वैली में पाया जाता है, और रूबीज जो याकूत का पत्थर है वो हुंजा, एक्वामेरीन और टर्मिलाइन, स्कर्दू टॉप्स, स्कर्दू एंड मर्दान। ठीक है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इसको हासिल किया जाता है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मेकिंग ज्वेलरी, ये जेवरात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेराइट, ये कहाँ पे इसको तलाश किया गया है या कहाँ पे इसकी कानकुनी की गई है, वो है खुजदार इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का जो इलाका खुजदार है वहाँ पे, एंड एट कुंडी, बंखरी, खोहाला
एंड फ़कीर मोहम्मद, ठीक है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इसकी कानपुनी की गई है और इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है। द ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, तेल की कंपनी, वेयर इट इज़ मिक्सड विद क्ले टू कंट्रोल द ऑयल प्रेशर इन वेल्स, ठीक है, ये जो कुएँ होते हैं उनमें ऑयल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसको क्ले के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग पेंट्स, और ये पेंट, ये जो रंग रोगन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास ग्लास बनाने में, एंड इंसेक्टिसाइड्स और जरासीम कुछ जो अद्वियात हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोप स्टोन, अब ये किधर किधर नहीं, सल्फर रह गया, फ्लोराइड भी रह गया। फ्लोराइड ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन कोहे मारान एंड कोहे दिलबंद, ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेकिंग स्टील एंड ग्लास, स्टील में कप बनाने के लिए और ग्लास कप बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इनेमल यूटेंसल्स एंड इन द केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज सल्फर, सल्फर कहाँ कहाँ पर इसकी कानपुनी की जाती है, कोहे सुल्तान एंड सानी, और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेकिंग एक्सप्लोसिव पेंट्स, डाइज, रायंस एंड फर्टिलाइजर्स, आल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज सोप स्टोन, सोप स्टोन को कहाँ पे तलाश किया जाता है या उसकी कानकुनी किधर की गई है, अ वेराइटी ऑफ टैलिक, मतलब के पाउडर, ये जो पाउडर वगैरह यूज होते हैं उसमें, फाउंड इन जोब, सफ़ेद को एंड शीरवान, ठीक है, और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेकिंग सोप में, सेरामिक्स में एंड फेस पाउडर में। सेरामिक्स का मतलब होता है दस्तकारी वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ गया मार्बल एंड ओनिक्स मार्बल, ठीक है, ओनिक्स मार्बल होता है सुलेमानी मार्बल के पत्थर, इसको कहाँ पे तलाश किया गया, इसकी कानपुनी की जाती है मेनली इन खैबर पख्तूनख्वा, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में होता है। मार्बल अक्कर इन डिफरेंट कलर्स, वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन, जो मार्बल होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, मतलब कि वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन, ठीक है, वाइट और सुरमई, पीले और ब्राउन कलर के। ओनिक्स इज फाउंड इन ग्रीन, येलो, रेड एंड वाइट शेड्स, और जो ओनिक्स है वो ग्रीन, येलो, रेड और वाइट शेड्स में पाया जाता है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग्स एज अ डेकोरेटिव स्टोन, ठीक है, जो सजावट के लिए पत्थर ही होते हैं वहाँ पे, उसमें ये इस्तेमाल होता है। आल्सो एक्सपोर्टेड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, स्पेशली फॉर मास्क, और ये कंस्ट्रक्शन मतलब कि तामीरात के शोबे में भी इस्तेमाल होता है, खसूसन मस्जिदों में। ओनिक्स इज़ यूज बाई क्राफ्ट्समैन टू मेक ब्यूटिफुल कार्व प्रोडक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज रॉक साल्ट, इट अकर्स इन वाइट और पिंक, ये सफ़ेद या पिंक कलर में होता है, सीम्स इन द साल्ट रेंजेस, माइंड एट खीबरा, वर्षा, कालाबाग, जाटा, बहादुर खेल एंड कारक, ठीक है, ये इन इलाकों में इसकी माइनिंग की जाती है। यूजली 20-25 मीटर थिक, ये तकरीबन 20 से 25 मीटर तक इसकी मोटाई होती है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग में एंड प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्विंग, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग एंड इन द फूड इंडस्ट्री, ठीक है। प्रिजर्विंग का मतलब होता है चीज़ों को महफूज करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं प्रिजर्विंग, कुकिंग में, प्रिजर्विंग में और खाने में की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। चार्ट इज़ यूज टू मेक वेरियस सोडाज फॉर लॉन्ड्री, और ये मुख्तलिफ सोडा मतलब ये जो सर्फ वगैरह होते हैं कपड़ों के इस्तेमाल में उसमें भी इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल्स में भी इस्तेमाल होता है, एंड टेनिंग, और ये जो चमड़े को खुश करने का काम होता है उसको कहते हैं टेनिंग। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, और एक बड़ी मिकदार में जो नमक है उसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बाहर भेजा जाता है। लाइमस्टोन, अब लाइमस्टोन को किधर हासिल किया जाता है, इसकी कानपुनी वेरियस प्लेसेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ये पाया जाता है, और ये इस्तेमाल इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास, सोप, पेपर एंड पेंट, ये इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ई क्लेस, क्लेस कहाँ पे पाया जाता है, वेरियस प्लेसेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में इसको हासिल किया जाता है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मेकिंग जार्स, जार बनाने में, पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वेसिस, फुलर्स, अर्थ इज़ यूज इन
ऑयल ड्रिलिंग फाउंड्रीज एंड स्टील मिल्स, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टुडे वी विल स्टॉप हियर, इन ओवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही होगा, अल्लाह हाफिज़।